अगर आपका भी SBI बैंक में खाता है और आपको ITR भरने के लिए या फिर कोई लोन लेने के लिए आपके बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट की जरूरत है तो ये वीडियो आपके लिए है। SBI बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आप तीन तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, पहला बैंक जाकर, दूसरा योनो एप्लीकेशन से और तीसरा इंटरनेट बैंकिंग से। पहला तरीका बहुत ही आसान है, आप अपनी ब्रांच से अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये तरीका फ्री नहीं है, आपको ब्रांच जाकर इसके चार्जेस के बारे में पता कर लेना है, वरना ये चार्जेस आपके अकाउंट से काट लिए जाएंगे। दूसरा तरीका बिल्कुल फ्री है, SBI के योनो ऐप से आप बिल्कुल फ्री में बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको योनो ऐप में लॉगिन करना है। होम पेज पर आपको अकाउंट्स का ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप स्क्रीन पर डाउनलोड और ईमेल दोनों ऑप्शन देख सकते हैं। अब डाउनलोड बटन पर क्लिक करते ही आपका बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना है, वहाँ पर आपको अपने बैंक स्टेटमेंट की PDF मिल जाएगी। अब इस PDF के पासवर्ड की बात कर लेते हैं। फर्स्ट 2 डिजिट आपके जन्म की दिनांक रहने वाली है, नेक्स्ट 2 डिजिट आपके जन्म का महीना रहने वाला है, इसके बाद आपको @ एंटर करना है और सबसे लास्ट में आपको अपने मोबाइल नंबर के 4 डिजिट एंटर करने हैं। आप स्क्रीन पर एक एग्जांपल देख सकते हैं, अगर किसी की DOB 1190 है और ये उसका मोबाइल नंबर है तो आप पासवर्ड भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। योनो ऐप से डाउनलोड होने वाले स्टेटमेंट में लास्ट 150 ट्रांजेक्शन ही होते हैं, इसमें आप मंथ वाइज या फिर फाइनेंशियल ईयर वाइज भी स्टेटमेंट डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके लिए तीसरा तरीका लेकर आया हूँ, इंटरनेट बैंकिंग से आप 3 साल तक का स्टेटमेंट बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाओगे। सबसे पहले आपको SBI की वेबसाइट पर आ जाना है और आपको ID पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। अब आपको टॉप साइड में मेनू बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको माई अकाउंट एंड प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको करना है। अब आप स्क्रीन पर अकाउंट स्टेटमेंट का ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक पेज खुलेगा, इस पेज पर आपको टॉप साइड में अपना अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है। अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको पीरियड सिलेक्ट करना है, जिस भी पीरियड का आप बैंक स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं वो पीरियड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। पीरियड सिलेक्ट करने के आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, बाई डेट, बाई मंथ, लास्ट 6 मंथ, फाइनेंशियल ईयर वाइज। इसके नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। व्यू बटन पर क्लिक करके आप बैंक स्टेटमेंट देख सकते हैं। दूसरा एक्सेल का ऑप्शन मिल जाता है, तीसरा PDF का ऑप्शन मिल जाता है और चौथा आपको DigiLocker का ऑप्शन मिल जाता है। मैं यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट PDF में डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं PDF डाउनलोड हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इस PDF के पासवर्ड भी नहीं होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में मैंने आपको SBI बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट प्राप्त करने के 3 तरीके बताए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।